हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। आज के वीडियो में मैं आपसे पौधों में लगने वाले माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आपको एक बात बतानी थी, मैंने अमेज़ॉन पर एक स्टोर शुरू किया है। स्टोर पर जाकर आप शॉपिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये स्टोर यानी कि एक पेज है अमेज़ॉन पर। मैंने जो आज तक अमेज़ॉन से ख़रीदा है उसमें आप गार्डन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो मैंने अमेज़ॉन से परचेस की है वो सब आपको वहाँ मिल जाएंगी। आप चाहे तो उसे परचेस कर सकते हैं, और बाकी चीज़ें भी हैं जो मैंने अमेज़ॉन से ली है वो सारा ही मैंने उसमें डाल दिया है, जैसे पौधों को लगने वाले टूल्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स और भी कई चीज़ें जो मैंने अमेज़ॉन से आज तक परचेस की है वो सारी ही उसमें हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं क्योंकि ये मेरे द्वारा रिकमेंडेड है, तो ज़रूर से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिस तरह से हमें हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, उसी तरह पौधे में ग्रोथ के लिए मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। न्यूट्रिएंट्स यानी कि NPK, जिसमें N यानी कि नाइट्रोजन, P यानी कि फास्फोरस, K यानी कि पोटेशियम, ये तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं। साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर भी होता है जो कि सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके साथ साथ पौधा कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हवा से लेता है, और उसे पानी भी चाहिए होता है जो कि वो बारिश के पानी से अपना काम चलाता है, या गमलों में हो तो हम उसे पानी पहुंचाते हैं। इन सभी को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। नाइट्रोजन से पत्तों की अच्छी ग्रोथ होती है, पत्ते अच्छे लश ग्रीन रहते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर को प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसी तरह पौधे में नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। फास्फोरस का उपयोग जड़ों को बढ़ाने में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने के लिए होता है। फास्फोरस से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत अच्छी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन तैयार करने का कार्य बहुत अच्छे से होता है। पोटेशियम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस प्रोसेस में खाना तैयार होता है, पत्तियों में उसे पूरे पौधे में पहुंचाने का काम पोटेशियम करता है, और पोटेशियम देने से फूलों का रंग और शेप बहुत ही अच्छे से उभर कर आता है। तो NPK बहुत ही आवश्यक खाद्य में से एक है पौधों के लिए। पौधों में जो पानी देते हैं उसकी वजह से मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, इस वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी महसूस होती है पौधों को। साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी लगते हैं पौधों को जो कि कम मात्रा में लगते हैं। इसके तौर पर आते हैं आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, कॉपर, जिंक और क्लोरीन। लेकिन इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या है फंक्शन? तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है उस रिएक्शन का जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है। NPK के साथ साथ ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना ज़रूरी है पौधों में। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधों में बहुत कम लगता है लेकिन बहुत ज़रूरी भी होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और उसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। जिंक से क्लोरोफिल बनता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से होने में मदद होती है। फंगीसाइड या पेस्टिसाइड की एफिशिएंसी बढ़ाने का काम जिंक करता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पौधा हरा भरा रहता है जिंक की वजह से। अगला है बोरॉन। बोरॉन से पौधों में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने की शक्ति बढ़ती है और रूट्स की बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है। बोरॉन की कमी से पौधों के टिप का पार्ट अच्छे से ग्रो नहीं होता है, पत्तियां गिरने लगती हैं, पौधों में कई प्रकार के डिजीज आते हैं, और पौधों का एपेक्स और न्यू लीव्स सफ़ेद या लाइट होकर मर जाते हैं। अगला है आयरन। आयरन से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत अच्छी होती है। ऑक्सीजन को
कैरी करने में भी हेल्प करता है और क्लोरोफिल भी बनाता है, लेकिन अगर इसकी कमी हो जाए तो पौधों के एपेक्स पर पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं। खासकर पत्तियों की वेन्स होती है वो पीली पड़ने लगती है और पौधे की ग्रोथ स्टंट हो जाती है, यानी रुक सी जाती है। अगला है कॉपर। कॉपर की कमी की वजह से पौधा ऊपर से लेकर नीचे तक सूखता चला जाता है। पौधे का एपेक्स सफ़ेद होकर सूखने लगता है। एपेक्स यानी पौधे की टिप का पार्ट, यानी ऊपर का पार्ट। पौधे की ग्रोथ स्टंट होने लगती है। कोई कोई पौधों में तो डायबैक का प्रॉब्लम होने लगता है, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है और लीफ फॉलिंग का भी प्रॉब्लम होने लगता है, यानी पत्तियाँ झड़ने लगती हैं। अगला है मैंगनीज। मैंगनीज का उपयोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होता है और इसकी कमी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ठीक से बन नहीं पाता है। साथ में ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले पदार्थों में भी मैंगनीज बहुत आवश्यक होता है। अगला है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम की ज़रूरत सबसे कम होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये बहुत काम आता है, लेकिन पौधों में इसकी कमी से पत्तियाँ पीली होने लगती है और सूखने लगती है। इसकी स्टेम भी पतली सी होने लगती है, स्टेम भी मोटी नहीं हो पाती है। तो ये सारे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है, भले ही कम मात्रा में क्यों ना हो। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। तो इस तरह से सभी को मिलाकर 17 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पौधों में आवश्यक है। तो ये सारे ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं प्लांट की ग्रोथ में। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। इसे हम 2 ml 1 लीटर पानी में डालकर मिक्स कर सकते हैं। यहाँ ये मेरी 5 लीटर की बकेट है, तो इसमें मैं 10 ml माइक्रोन्यूट्रिएंट लिक्विड का डालूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और पौधे के चारों ओर स्टेम से थोड़ी दूरी पर हम इस सॉल्यूशन को गमले में डाल देंगे। इसे हम स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे से ज़्यादा फायदे मिलते हैं। पौधों पर स्प्रे करने से सीधा पत्तियों द्वारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यहाँ मैंने 2 लीटर की स्प्रेइंग बॉटल ले ली है। इसमें मैं 4 ml माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का लिक्विड मिलाऊंगी और इसे आप इस तरह से स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप ये माइक्रोन्यूट्रिएंट परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस माइक्रोन्यूट्रिएंट का उपयोग खासकर सब्जियों में बहुत ही अच्छा मिलता है। हमें अच्छी सब्जियां मिलती हैं और आप इस तरह से पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर सकते हैं और ढेर सारे फूल, फल और सब्जियां घर में ही पा सकते हैं अपने किचन गार्डन से। आशा है आपको जानकारी पसंद आएगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूं आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।